तो सिंपल अगर अपन नॉन लोकल कीवर्ड की बात करें तो नॉन लोकल कीवर्ड जो है वो नेस्टेड फंक्शन में यूज में आता है। ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब आप रेफर करना चाहते हो प्रीवियसली बाउंड वेरिएबल्स की, जो कि क्लोजिंग इनक्लोजिंग स्कोप में होता है, या आप ऐसा कह सकते हो जो कि इनक्लोजेस स्कोप में होता है। पहली चीज समझो, नॉन लोकल कीवर्ड कब यूज में आता है, जब आप नेस्टेड फंक्शन की बात करते हो। ठीक है, दूसरी बात यह हुई, जब आप प्रीवियसली बाउंड वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो या प्रीवियसली इनक्लोजिंग स्कोप के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करना चाहिए। ये काम तो ग्लोबल जैसा ही करता है, लेकिन ये जो इसका डिक्लेरेशन होता है वो वेरिएबल जैसा होता है। ठीक है, और हम करते क्या है, दिस कीवर्ड डिक्लेयर्स अ वेरिएबल टू पॉइंट टू द वेरिएबल ऑफ आउटसाइड इनक्लोजिंग फंक्शन, जब हम नेस्टेड की बात करें। ठीक है, तो मतलब ये हो गया, जब भी नेस्टेड फंक्शन की बात करें तो हम नॉन लोकल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं जब आपको प्रीवियसली बाउंड वेरिएबल को एक्सेस करना हो या प्रीवियसली इनक्लोजिंग स्कोप को एक्सेस करना हो। काम ग्लोबल के जैसा करेगा, लेकिन डिक्लेरेशन सिंपल लोकल जैसा होगा और आउटसाइड इनक्लोजिंग फंक्शन को पॉइंट करने के लिए होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो बेटा ये हमको समझ में आ रहा है कि सिंपल हमने आउटर एक फंक्शन ले लिया और एक इनर नाम का फंक्शन का डेफिनेशन ले लिया। कॉलिंग आउटर से होगी, तो यहां से कॉल जब जाएगा तो ये आउटर पे गया, देखो चला गया। अब इसमें फर्स्ट नम आपने डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, फर्स्ट नम में वैल्यू 1 असाइन हो गई। अब अगर आप देखो उसके बाद आउटर का पार्ट ये वाला है सेकेंड नंबर पे, और उसके बाद आउटर का पार्ट आपका ये है थर्ड नंबर पे। पहला तो ये पार्ट था, दूसरा आपका ये पार्ट है, और तीसरा आपका ये पार्ट है। ठीक है, अब बेटा इसमें समझते हैं, जब इनर कॉल होगा, इनर फंक्शन कॉल होगा, तो इनर पे गया, इनर फंक्शन कॉल हो गया, इनर में मैंने क्या किया, ये फर्स्ट नम जो ऊपर डिफाइन था उसी को मैंने नॉन लोकल बना दिया इसमें, मतलब लोकल भी नहीं है। अगर लोकल होता तो केवल इनर में कॉल हो पाता, ये ध्यान रखना, अगर ये लोकल होता तो केवल इनर में कॉल होता, और मैंने फर्स्ट नम को 0 असाइन कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, ये अब जब इसको आगे कॉल करोगे तो पीछे का इनक्लोजिंग कॉल होगा। जैसे ही फर्स्ट नम को जब आप आगे प्रिंट कराने की कोशिश करोगे इसके स्कोप से बाहर, तो ध्यान रखना इसका इनक्लोजिंग कॉल हो जाएगा। जैसे समझो मेरी बात को, नॉन लोकल लिख दिया मैंने, अगर नॉन लोकल लिख दिया तो पहला अंतर तो यही हो गया, इसके बाहर कॉल नहीं हो पाता। अगर ये लोकल होता तो इनर के बाहर एक कॉल ही नहीं कर पाते हम। आप क्या कर पाएंगे, हम इनर के बाहर एक्सेस कर लेंगे, एक्सेस तो करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो ये वाला इनक्लोजिंग स्कोप है इसको प्रिंट नहीं करेगा। किसको प्रिंट करेगा, इस नॉन लोकल को प्रिंट करेगा। कैसे समझो, अब मैंने बोला फर्स्ट नम इक्वल टू 0, अब ये नॉन लोकल है, सेकेंड नम इक्वल टू 1, अब यहां से आउटपुट आ जाएगा सेकेंड नम का, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस इनर के बाद ये प्रिंट कॉल होगा आपका, प्रिंट सॉरी एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एग्जीक्यूट होगा जो कि आउटर का पार्ट है, तो अब आएगा फर्स्ट नम। तो ध्यान रखो, अगर ये लोकल होता तो यहां फर्स्ट नम के पे आउटपुट पे ये 1 आ जाता, ये वाला 1 आता, लेकिन ये नॉन लोकल है, नॉन लोकल है, तो जब ये फर्स्ट नम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो बोलेगा मेरे पास नॉन लोकल भी है। अगर नॉन लोकल है तो ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर आउटर से बाउंडेड है, इनक्लोजिंग स्कोप से बाउंडेड है, इसीलिए इनक्लोजिंग स्कोप से बाउंडेड है तो ए वाला आउटपुट ना देते हुए ए वाला आउटपुट देगा। तो ध्यान रखना, जब हम नॉन लोकल यूज करते हैं तो जब आप इस नॉन लोकल वेरिएबल को बाहर से प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो जो उसका लोकल वेरिएबल होता है उससे इसका प्रेसिडेंस हायर होता है प्रिंट में, और नॉन लोकल को प्रिंट करता है, इसलिए प्रिंट करता है क्योंकि नॉन लोकल बनाया ही इसलिए जाता है कि आप प्रीवियसली बाउंडेड वेरिएबल को प्रिंट करा पाओ। तो यहां प्रीवियसली बाउंडेड वेरिएबल क्या हो गया, फर्स्ट नम इक्वल टू 0, तो फर्स्ट नम की बाउंडेड वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जैसे ही बाउंडेड वैल्यू को आप प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो इसको ना प्रिंट करके ये सिंपल बाउंडेड वाले को प्रिंट करेगा, तो यहां 0 आएगा। लेकिन अगर ये लोकल वेरिएबल होता, केवल अगर ये लाइन यहां नहीं होती और मैं सिंपल फर्स्ट नम इक्वल टू 0 लिखता तो केवल 0 हम यही प्रिंट करा पाते जब यहां फर्स्ट नम लिखते। तो अब मैं बाहर फर्स्ट नम लिख के प्रिंट करा रहा हूं तो भी ये एक्सेसिबल हो जा रहा है क्योंकि ये प्रीवियसली बाउंड वैल्यू को एक्सेस कर लेता है। तो अगर आप देखो तो मैंने यही बताया था, इट कॉजेज द वेरिएबल टू रिफर टू द प्रीवियसली बाउंड वेरिएबल इन द क्लोजेस्ट इनक्लोजिंग स्कोप। क्लोजेस्ट मतलब
ये आपका जो क्लोजेस्ट इनक्लोजिंग स्कोप यही है इसका, यही वाला क्लोजेस्ट इनक्लोजिंग स्कोप है, ठीक है। और आप देखो नेस्टेड फंक्शन हो रहा है, ये आपका एक फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन आप बना रहे हो, तो नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज होता है जनरली नॉन लोकल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे, नॉन लोकल समझ में आ गया? बड़े आगे? यस सर। ओके, अब आगे अगले एग्जांपल की बात करते हैं। अगले एग्जांपल में देखो, फिर मेरा एक आउटर फंक्शन है और एक इनर फंक्शन है। सबसे पहले आउटर कॉल होगा, आउटर कॉल हुआ, पहली लाइन ये वाली है, तो फर्स्ट नंबर को असाइन हो गया वन। दूसरी लाइन ये वाली है, देखो ये आपका आउटर का पार्ट है। फिर तीसरी लाइन ये है, तो दूसरे पे पहले प्रिंट होगा आउटर फर्स्ट नम इज वन, तो पहला आउटपुट आ गया आउटर फर्स्ट नम इज वन। जब इनर कॉल होगा तो इनर पे जाएगा। अब इसने फर्स्ट नम को जीरो असाइन कर दिया, अब यहां लोकल हो गया, फर्स्ट नम लोकल हो गया, ये लोकल वेरिएबल है ध्यान रखना, और सेकंड नम को मैंने वन असाइन कर दिया। जब मैं बोलूंगा सेकंड नम, तो सेकंड नम इज सेकंड नम, ये वन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं अगर फर्स्ट नम को भी प्रिंट कराता इसी स्कोप में तो जीरो आता, लेकिन ये प्रिंट यहां फर्स्ट नम जो है ये आपका आउटर का है, इनर का नहीं है, इंडेंटेशन देख सकते हो। जब मैं बाहर आया और मैंने बोला आउटर फर्स्ट नम इज फर्स्ट नम, अब अभी देखो ये पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, ये पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, ये आपका आउटर फंक्शन का पार्ट नहीं है। आउटर फंक्शन के अंदर फर्स्ट नम लिखा हुआ है, इसको आप यहां तक तो कॉल कर सकते थे, इस लाइन तक कॉल कर सकते थे, इसके पहले कॉल नहीं कर पाओगे। तो इस फर्स्ट नम का स्कोप केवल यहां तक है। देखो आपने बाहर से कॉल करने की कोशिश की, इंडेंटेशन से देख लो, ये आउटर का पार्ट है, आउटर से बाहर के आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए यहां फर्स्ट नम पे एरर आएगा कि फर्स्ट नम इज नॉट डिफाइंड। आगे बात करते हैं, बस मैंने एक लाइन में चेंज किया है, ये आपका आउटर फंक्शन है, ये आपका इनर फंक्शन है। अब देखो आउटर से पहले कॉल होगा, जब कॉल हुआ तो आउटर में गया, फर्स्ट नम को वन मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी लाइन, आपकी पहली लाइन ये है, फिर दूसरी लाइन तो यही है आपके आउटर का, ये जब कॉल होगा तो फर्स्ट नम को जीरो मिल गया, लोकल वेरिएबल है, सेकंड नम भी लोकल वेरिएबल है, वन मिल गया। अब सेकंड नम को आपने प्रिंट कराया, वन आ गया, फर्स्ट नम का आपने प्रिंट कराया, जीरो आ गया, ये वाला प्रिंट होगा लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब आप आउटर के बाहर आके आप फर्स्ट नम को कॉल कर रहे हो, सेम प्रॉब्लम, सेम क्या है, आउटर के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो इसलिए फिर से फर्स्ट नम नॉट डिफाइंड। आगे बात करते हैं, मैंने बोला ए इक्वल टू टू, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं प्रिंट ए लिख रहा हूं, फंक्शन को कॉल किया, कॉल हुआ, प्रिंट ए ग्लोबल वाले को कॉल करेगा, ए ग्लोबल वाले को एक्सेस करेगा, टू आ जाएगा। इस प्रिंट ए से भी ग्लोबल वाले को एक्सेस करेगा, क्योंकि ए जो है पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, एफ का पार्ट नहीं है, तो यहां से भी इसको एक्सेस करेगा, तो टू टू आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने बोला ए इक्वल टू टू, फंक्शन बनाया डेफिनेशन एफ, और इसके अंदर ए इक्वल टू नाइन बना दिया, ये लोकल वेरिएबल है ध्यान रखना, प्रिंट ए करूंगा तो नाइन आएगा, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ यहां जाएगा, ए को असाइन करेगा नाइन, तो इससे प्रिंट ए से नाइन आएगा, लेकिन जब मैं प्रिंट ए करूंगा तो एक ग्लोबल वाले को एक्सेस करेगा, लोकल वाले को तो कर नहीं सकता, तो नाइन और टू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है, देखो समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया ए इक्वल टू टू, और फिर फंक्शन बनाया, इसमें प्रिंट किया ए, अब मैंने बोला ए इक्वल टू नाइन और प्रिंट किया ए। अब यहां देखो फंक्शन कॉल से समझते हैं, फंक्शन कॉल किया, ठीक है, यहां गया, तो पूरे की पूरी जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, स्टेटमेंट होता है, पूरा का पूरा मेमोरी में आ जाता है, पूरा का पूरा। अब सबसे पहली लाइन आप लिख रहे हो, प्रिंट कर रहे हो ए को, और फिर दूसरी लाइन में लिख रहे हो ए को टू नाइन, और तीसरी लाइन में आप ए को प्रिंट फिर से कर रहे हो। देखो अब इसमें समझना, समझने वाली चीज क्या है, आपने सबसे पहले यहां ए को प्रिंट किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ए को प्रिंट कर रहा हूं तो ए वाला एक ग्लोबल वाला प्रिंट कर देगा, और जब मैं ए को टू नाइन करूंगा तो यहां ये लोकल वाला प्रिंट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने डेफिनेशन के अंदर कहीं भी ए को फिर से डिफाइन कर दिया, देखो मैंने डेफिनेशन के अंदर ए को डिफाइन कहीं भी कर दिया, तो जब ये पूरी मेमोरी में मैप होती है तो डेफिनेशन दिख जाती है कि ये डिफाइंड है, तो डेफिनेशन जब देख लेगा पाइथन का इंटरप्रेटर तो बोलेगा आपने ए को डिफाइन किया हुआ है। जब आपने ए को डिफाइन किया हुआ है तो पहले प्रिंट कैसे कर लोगे, क्योंकि यहां तो गार्बेज वैल्यू होती नहीं है। अब यहां ए को ना ग्लोबली वो एक्सेस नहीं कर रहा है, इस प्रिंट ए से ग्लोबल एक्सेस नहीं हो रहा है, ये क्या समझ रहा है कि ए तो आपने बाद में डिफाइन किया हुआ है, आप बोल रहे हो ए इक्वल टू नाइन, जब आप ए इक्वल टू नाइन बाद में बोल रहे हो तो उसको प्रिंट पहले कैसे करा ले रहे हो। तो ध्यान रखना,
अगर आपने डिफाइन किया हुआ है किसी पर्टिकुलर फंक्शन में किसी भी लाइन पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, कि जो ग्लोबल था, और प्रिंट आपने पहले कराने की कोशिश की, तो एक कंफ्यूजन में मत रहना कि जब अगर हम प्रिंट पहले कराने की कोशिश करेंगे तो ग्लोबल वाले को प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा डेफिनेशन मेमोरी में मैप होता है। जब मेमोरी में मैप होता है तो चेक करता है कि आपका कोई भी वो वेरिएबल डिफाइन तो नहीं है। अगर वो वेरिएबल डिफाइन है तो उससे पहले प्रिंट तो नहीं हो रहा है। इट मींस इस प्रिंट ए से जो पाइथन का एनालिसिस है, या प्रिंट ए से जो कहना चाहिए पाइथन के इंटरप्रेटर का एनालिसिस होगा, वो बोलेगा ये जो प्रिंट आप ए कराने वाले हो ये कहीं भी पूरे प्रोग्राम में डिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर डिफाइन नहीं है तो मैं ग्लोबल वाले को प्रिंट कर दूंगा, मतलब मैं टू ले आऊंगा। लेकिन अगर डिफाइन है तो प्रिंट आप पहले नहीं कर सकते हो, पहले आप डिफाइन करो फिर प्रिंट करो, क्योंकि जैसे ही आपने डिफाइन कर दिया वो लोकल वेरिएबल हो गया ना कि ग्लोबल। तो यहां पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बोला ए इक्वल टू 9 और 9 को असाइन करने से पहले ही आपने प्रिंट करा लिया उस ए को, तो आपका पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो समझ गया कि ए को आपने डिफाइन किया हुआ है तो ये लोकल वेरिएबल है, इसको मैं ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता हूं, पहले असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रिंट ए से एरर आ रहा है। इस लाइन को अगर मैं हटा दूंगा तो स्मूथली चलने लगेगा, इस प्रिंट ए से 9 आ जाएगा और इस प्रिंट ए से 2 आ जाएगा, लेकिन आपने पहले प्रिंट करा लिया इसलिए एरर आ रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? गुड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समझ लो, इन पाइथन एनी वेरिएबल विच इज चेंज्ड और क्रिएटेड इनसाइड ऑफ अ फंक्शन इज लोकल। इफ इट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल, टू टेल पाइथन दैट वी वांट टू यूज द ग्लोबल वेरिएबल वी हैव टू एक्सप्लिसिटली स्टेट दिस बाय यूजिंग द कीवर्ड ग्लोबल। हाँ, अगर आप ग्लोबली उसको एक्सेस करना चाहते हो तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, अब मैंने बोला यहां s इक्वल टू आई लव पाइथन, अब मैंने फंक्शन में बोला s इक्वल टू आई लव सी, और फिर प्रिंट कराया। फंक्शन यहां से कॉल होगा, कॉल होने के बाद इसको ये लोकल मानेगा, तो जब इसको प्रिंट कराओगे तो आएगा आई लव सी, प्रिंट s, तो ये आएगा ग्लोबल वाला आई लव पाइथन। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, s इक्वल टू कर दिया आई लव पाइथन। अब डेफिनेशन में देखो क्या चेंज किया, जैसे ये कॉल होगा यहां से आएगा ग्लोबल s, मतलब इस s की जो मैं बात कर रहा हूं ये इसी की बात कर रहा हूं, अलग नहीं बात कर रहा हूं। तो जब मैं यहां प्रिंट s कराऊंगा तो अब आ जाएगा आई लव पाइथन, अब ये चलेगा, अब ये सक्सेसफुली चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, अब मैं यहां s इक्वल टू आई लव सी कर दिया, अब ये आपका लोकल वेरिएबल बन गया, तो जब इस प्रिंट s से कराऊंगा तो आ जाएगा आई लव सी। लेकिन ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था कि जब ग्लोबल वेरिएबल अगर मैं यहां डिक्लेयर कर देता हूं तो इस s को पूरे के पूरे फंक्शन में वो ग्लोबल ही मानेगा, इसीलिए ध्यान रखना ये लोकल वेरिएबल ना होके एक ग्लोबल वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो अगर मैंने एक बार ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो अब मैं s इक्वल टू आई लव सी बोलूंगा तो ए एस ऊपर वाले का मेमोरी लोकेशन को ही ए वाला s पॉइंट करेगा। तो यहां लिखा था आई लव पाइथन, तो अब यहां क्या हो जाएगा आई लव सी, तो अब इसकी जगह पे यहां आ जाएगा आई लव सी। तो मैं जब प्रिंट s बोलूंगा तो आई लव सी, बाहर से ही बोलूंगा तो ग्लोबली भी उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है और उसका आउटपुट आएगा आई लव सी। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखो, अगर मैंने बोला a इक्वल टू 2 डेफिनेशन में दिया फंक्शन और a इक्वल टू 4 प्रिंट a, तो बड़ा सिंपल है, f में जाएगा, यहां से प्रिंट a करेगा तो 4 आ जाएगा, बाहर वाले से 2 आ जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने बोला a इक्वल टू 2 डेफिनेशन दिया और मैंने बोला फंक्शन को कॉल करते हैं, मैंने फंक्शन को कॉल किया, बोल रहा है a इक्वल टू a प्लस 4। ठीक है, अब a यहां आपने डिक्लेयर कर दिया तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, समझ जाओ, आपने जैसे ही a बोला तो ये लोकल वेरिएबल हो गया अगर आपने उसको ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया है। अब लोकल हो गया, बाय डिफॉल्ट पाइथन में कोई गार्बेज वैल्यू तो होती नहीं है, अब आपने a में कोई वैल्यू असाइन तो की नहीं, यहां बाय डिफॉल्ट a की वैल्यू तो आएगी नहीं ना, क्योंकि ग्लोबल तो हो नहीं रहा, जैसे ही इक्वल टू लग गया तो a को इसने लोकल मान लिया, अब लोकल मान लिया, लोकल वेरिएबल हो गया। अब इस लोकल वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू दी ही नहीं है और ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए इस लाइन पे एरर आएगा। ध्यान रखना, इसलिए इस लाइन पे एरर आएगा, क्यों? क्योंकि अब आपने ए में कोई वैल्यू असाइन की ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसी का वेरिएंट देखो, अब मैंने यहां से बोला ए में आप 2 दे दिया, अब मैं यहां एफ ऑफ ए, यहां देखो मैं यहां वैल्यू पास नहीं कर रहा था, सिंपल कॉल था, यहां 1 आर्गुमेंट वाले हैं, तो एफ ऑफ ए, तो ए में 2 पड़ा हुआ है, एफ ऑफ ए मतलब 2, तो यहां चला गया ए में 2। ध्यान रख रहा हूं,
ए में टू चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ इक्वल टू फोर बोला तो ये लोकल ए का वेरिएबल बना जिसमें फोर आ गया, तो प्रिंट ए करूंगा तो कितना आ जाएगा फोर, और प्रिंट ए करूंगा तो ये आएगा ग्लोबल वाला, तो ये आ गया टू। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में देखो तो एफ ऑफ ए, अब यहां पास हुआ टू, यहां मैंने टू पास करा दिया ए में, तो जब मैं अगर ए इक्वल टू ए प्लस फोर बोलूंगा तो ए में मैंने टू पास कराया है इसलिए यहां टू आ जाएगा और प्लस फोर, तो अब यहां ए एक लोकल वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू सिक्स है, तो जब मैं इस प्रिंट ए से कराऊंगा तो सिक्स आएगा, और बाहर वाले प्रिंट ए से जो आपका ग्लोबल है वही आएगा। ग्लोबल वाले में तो चेंज करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो पुराने वाले प्रोग्राम में क्या दिक्कत हो रही थी कि जब यहां पास कर रहा था तो कोई वैल्यू पास नहीं हो रही थी, इसलिए इसको कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही थी और ए के पास कोई वैल्यू थी नहीं। दूसरे इस प्रोग्राम में यहां से मैंने टू पास करा दिया तो इस ए को टू मिल गया, इसलिए यहां असाइनमेंट हो जा रहा है और ए का नया वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जा रहा है जिसका स्कोप इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है।